विदिशा जिले के पठारी में सम्मत शिखर हम सब के लिए शाश्वत और पावन क्षेत्र है। क्षेत्र को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित कर धार्मिक स्थल से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि इस सिद्ध क्षेत्र को पर्यटन स्थल की जगह पवित्र स्थल घोषित करना चाहिए। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का समस्त जैन समाज विरोध करती है और मांग करती है कि सिद्ध क्षेत्र सम्मत शिखर जी के साथ सरकार खिलवाड़ न करे। इसलिए सरकार कान खोलकर सुन ले, हम अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, वन मंत्री जी एवं झारखंड के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सरकार हमारी बातों को मान ले। जैन समाज अहिंसक है किंतु कायर नहीं है, इस बात को भी सरकार बेहतर ढंग से समझ ले। केंद्र एवं झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में रविवार को जैन समाज ने पठारी तहसीलदार अभिषेक पांडे एवं थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह को ज्ञापन सौंपा। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। सौंपा गया है, किस कारण सौंपा गया है ये ज्ञापन? हमारे जैन समाज द्वारा, जो हमारा सांसद शिखर जी है झारखंड में, वहाँ की सरकार ने इसको पर्यटक स्थल घोषित किया है, इसके विरोध में सौंपा गया है। जी, ज्ञापन सौंपा है, किस कारण सौंपा गया है? झारखंड सरकार ने काला कानून निकाला है और शाश्वत तीर्थ क्षेत्र, जो जैनों का एकमात्र तीर्थ क्षेत्र है, उसको उन्होंने वहाँ पे पर्यटन स्थित क्षेत्र घोषित किया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र की पवित्रता बनी रहे और वहाँ उसे पवित्र क्षेत्र के नाम से घोषित किया जाए और वहाँ से सारी अधिकार जैन समाज को दिए जाए। आप सरकार से क्या चाहती हैं? हम सरकार से बस यही चाहते हैं कि इसे एक पावन तीर्थ क्षेत्र के नाम से घोषित किया जाए, पर्यटन क्षेत्र न घोषित किया जाए, जिससे वहाँ की पवित्रता हमेशा बनी रहे। समुदाय का जो तीर्थ क्षेत्र था, जिस तरह से आदमी को अपने रोम रोम से प्यार होता है, उस तरह हम सभी जैनियों को वो शिखर जी के कण कण से प्रेम है। जितना आदमी के शरीर में रोम कीमती है, उससे कहीं ज़्यादा शिखर जी का कण कण हमारे लिए जरूरी है और पूजनीय है। तो हम सभी अपनी आस्था से पूछते हैं, सभी जैन वहाँ जाते हैं, वो हमारा तीर्थ स्थल है, जिसको झारखंड सरकार नीतीश कुमार ने और पर्यटन केंद्रीय पर्यटन विभाग ने, वन विभाग ने जो पर्यटन स्थल के लिए बोला है, तो वो हम कैसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए और उसको जैसा क्षेत्र था हमारा, वैसा ही हमें घोषित किया जाए और जैनियों के लिए संपूर्ण अधिकार के साथ उसको सौंपा जाए, जिससे कि आगे ऐसी कोई व्यवस्था न रहे जिसके लिए हमें फिर से आंदोलन करना पड़े, या हमें सरकार के विरोध में या शासन प्रशासन के विरोध में बोलना पड़े और उनके सामने हमें आना पड़े। इसलिए विशेष ध्यान रखें और जैनियों की आस्था, किसी देश के जैनी है जैन धर्म में यहाँ 2400 की संख्या पैदा हुए, 24 में से 20 की संख्या भगवानों की हमारी को जन्मभूमि है, यहाँ से मुक्त पधार रहे हैं और कई मुनि वहाँ से मुक्त गए हैं। इसलिए वो उस शिखर जी की धरती का कणकण हम सभी जैनियों के लिए पूज्य, और हम पूछते हैं, ऐसा भी नहीं पूछते, हम पूछते हैं, मानते हैं, सभी जैन वहाँ जाते हैं और बच्चे हमारे। शिखर जी का जैन समाज में बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और वहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसको पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती है। पर्यटन स्थल का तो मतलब है कि वहाँ हर तरह के लोग वहाँ पहुंचेंगे। शिखर जी एक आस्था का स्थल है, जैन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको आस्था का केंद्र ही तीर्थ के रूप में विकास किया जाए, उसको पर्यटन का स्थल नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूं, मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर्यटन और आस्था स्थल में फर्क। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।